सोनाली फोगाट केस में अब गोवा पुलिस सभी सबूत बहुत जल्द ही सार्वजनिक करने वाली है। इस बात का खुलासा खुद जो है गोवा सरकार की तरफ से किया गया है। गोवा पुलिस की पूरी तैयारी के साथ सबूत सार्वजनिक करना चाहती है ताकि सीबीआई की जांच की मांग करने वालों को जवाब दिया जा सके। ये बात जो है खुद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और डीजीपी जसपाल सिंह ने कही। सूत्रों के अनुसार गोवा पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की भी तैयारी शुरू कर चुकी है। हम आपको बता दें कि गोवा पुलिस ने हरियाणा में जांच जारी करने को आधार बनाकर कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग की थी और उसी के बाद जो है सुधीर और सुखविंदर दोनों की ही पुलिस कस्टडी 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई। सीबीआई जांच को लेकर लगातार जो है वो दबाव बन रहा है। सोनाली का परिवार भी लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच हो। वहीं जो उनकी बेटी है उन्होंने भी पीएम को चिट्ठी लिखकर इस बात की अपील की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बेटी ने इस बात का भी दावा किया कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि उन्हें खतरा, उनकी जान को खतरा है, परिवार की जान को खतरा है। तो सोनाली की बेटी यशोधरा ने पिछले दिनों अपनी और इस केस में गवाही देने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जान को खतरा बताया था। इसके बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर यशोधरा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं और रिक्वेस्ट की है कि उसकी ये जो डिमांड है वो पूरी की जाए। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया कि ये साफ है कि सोनाली की हत्या हुई है। आरोपी सुधीर सांगवान के बारे में भी तरह तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसे में हमारा निर्दोष और मासूम बच्चे की सुरक्षा को लेकर परेशान होना जायज है। तो हम आपको बता दें कि गोवा सरकार ने इस बात का दावा किया है कि वो बहुत जल्द ही जांच में जितनी भी बातें सामने आई हैं, सबूत सामने आए हैं, उसको सार्वजनिक करेगी ताकि ये जो सीबीआई की मांग को लेकर दबाव बढ़ रहा है उन सभी को जवाब दिया जा सके।